नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन रीनल फोर्ट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी इस पर MRP आती है और किस प्रकार इसको इस्तेमाल करना होता है। इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो रीनल फोर्ट मेडिसिन होती है देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। अगर बात करें इसके साइज के बारे में तो 30 ml के साइज में मार्केट में मिल जाती है। अगर बात करें इसकी MRP के बारे में तो 130 रुपये इस पर MRP आती है। और जो इसको बनाने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में एक कंपनी आती है विजल, जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो रीनल फोर्ट मेडिसिन होती है एक किडनी केयर ड्रॉप है, गुर्दों को हेल्दी बनाने का काम ये मेडिसिन करती है। अगर बात करें डिटेल से इसके क्या क्या यूज होते हैं तो दोस्तों इसका पहला यूज होता है ब्लड इन यूरिन। दोस्तों अगर आपके पेशाब में ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है या आपको हेमोचूरिया की परेशानी है तो उसको ठीक करने का काम यह रीनल फोर्ट मेडिसिन करती है। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों अगर किसी के ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है तो यूरिया और क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने के लिए या उसको नॉर्मल करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों अगर किसी के पेशाब में एल्बुमिन जा रहा है या एल्बुमिनेरिया की परेशानी है तो उसको भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों जिसका अगला यूज होता है हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन के लिए होता है। अगर किसी का जो ब्लड प्रेशर है वह कम रह रहा है या किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहा है तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम भी ये मेडिसिन करती है। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों अगर किसी को फैटिगनेस हो रही है या वीकनेस हो रही है, थकान अगर किसी को हो रही है, कमजोरी हो रही है तो उसको भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों कुछ यूजेस थे जिन जिन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। तो दोस्तों इसमें जो पहली मेडिसिन होती है वो यूरिया पूरा होती है, एल सीरम होती है, सॉलिड एवो होती है, स्थियोलम होती है और प्लोकार्पस माइक्रो होती है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है किडनी को हेल्दी और स्वस्थ बनाए रखने के लिए। दोस्तों अगर बात करें इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और जो उस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।